अल्लाह बाजारे मेहरबान है जनाले सा शुरू।
मेहमाननि खे स्टेज ते अचण जी दावत ॾींदुसि। सभ खां पहिरीं मां जसाफ सिंध जे मर्कज़ी सदर मोहतरम ॾाॾो जखराणी खे स्टेज ते अचण जी दावत ॾींदुसि। आज़ादीअ खां ओपरा तूं न असांजो भाउ, तूं को पथर पंध जो असीं उतरवा, असीं तॾहिं आ लांग लाहे सांगो सिर जो ॾाॾो जखराणी। हाणे मां जसाफ सिंध जे मर्कज़ी जनरल सेक्रेटरी मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद अलियास तुनियो खे स्टेज ते अचण जी दावत ॾींदुसि। तूं ॻाल्हि करीं थो ज़ुल्फ़नि जी, मां अणभन अणभन ॿारनि जी। तूं ॻाल्हि करीं थो ज़ुल्फ़नि जी, मां अणभन अणभन ॿारनि जी। तूं कूक सुणी थो कोयल जी, मां पेट बुखायल ॿारनि जी। दोस्तो, हाणे मां जसाफ सिंध जे मर्कज़ी फाइनेंस सेक्रेटरी मोहतरम अब्दुल हफ़ीज़ आज़ादु हकड़ो खे गुज़ारिश कंदुसि त स्टेज ते अचे। मोहतरम अब्दुल हफ़ीज़ आज़ादु हकड़ो, उनखां पोइ मां जसाफ जे डिवीज़नल ऑर्गेनाइज़र मोहतरम अब्दुल अज़ीज़ शेख खे गुज़ारिश कंदुसि त स्टेज ते अचे ऐं आज़ादी कुर्सी ते वेहे। मोहतरम अब्दुल अज़ीज़ शेख जसाफ चांडका जे प्रेसिडेंट ऐं हिन प्रोग्राम जे चीफ ऑर्गेनाइज़र मोहतरम मसरूर अली सियाल खे गुज़ारिश कंदुसि त स्टेज ते अचे। मोहतरम मसरूर अली सियाल, दोस्तो, हाणे मां जसाफ चांडका जे वाइस प्रेसिडेंट मोहतरम एजाज़ मंगणहार खे गुज़ारिश कंदुसि त स्टेज ते अचे। मोहतरम एजाज़ मंगणहार, उमिरि ऐं ओचितो वॾे दाब दड़के मारू विया हुआ मालसीं, कोन हो को तड़ ते, न त सिसी तुंहिंजी सुमरा हूंद लामन ते लड़के, केॾो कहर कड़के जीअं तो बेदो ई बंदि कया। हाणे बेछाइण जी तकरीब जी शुरूआत कंदे मां सभ खां पहिरीं आफ़ताब भट्टी खे स्टेज ते अचण जी दावत ॾींदुसि त हू मर्कज़ी सदर जसाफ ॾाॾो जखराणी खे बेछणे। डॉक्टर आफ़ताब भट्टी, उनखां पोइ मर्कज़ी जनरल सेक्रेटरी जसाफ डॉक्टर इलियास तुनियो खे बेचण लाइ मां बैच 28 जे चीफ ऑर्गेनाइज़र डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार अली मंगी खे स्टेज ते अचण जी दावत ॾींदुसि। मर्कज़ी नायब सदर हफ़ीज़ आज़ाद हकड़े खे मर्कज़ी फिनांस सेक्रेटरी हफ़ीज़ आज़ाद हकड़े खे बैच हणण लाइ मां डॉक्टर मनसब बिजालाणी खे स्टेज ते अचण जी दावत ॾींदुसि। आज़ाद हकड़े खे बेझण लाकाणे डिवीज़न जे ऑर्गेनाइज़र अज़ीज़ शेख खे बेझण लाइ प्रेसिडेंट जसाफ चांडका ऐं हिन अॼु जी राति खे जे ऑर्गेनाइज़र डॉक्टर मसरूर सियाल खे बेझण लाइ मां डॉक्टर ज़ुबैर सुमरे खे स्टेज ते अचण जी दावत ॾींदुसि।
नटका मेडिकल कॉलेज डॉक्टर एजाज मंगनहार के बेच हण लाए मां बेच 28 के ऑर्गेनाइजर दीदार वसाण के स्टेज पे अचने की दावत दींदुस। बाहे में आलाण या अण थेणी सोन में काराण या अण थेणी जे वक्त सदे सिंध बुखारी भुड़के छालाए छाकाण या अण थेणी सिंध जे अजीम शायर शेख अयाज जी तखलीक अचो त सिंध जो कौमी तरानो बुधण जी सादत हासिल कयूं। मां अवां सभिनी बाशऊर ऐं बाग़ैरत ऑडियंस खे गुज़ारिश कंदुसि त हू सिंध जे कौमी तराने जे अदब ऐं एतराम में 2 मिंट ख़ामोशी सां पंहिंजी सीटुनि ते उथी बीहनि। मां सिंध जे कौमी तराने पढ़ण लाइ वजीहुद्दीन मलिक खे स्टेज ते अचण जी दावत ॾींदुसि। मां सभिनी बादशाहुनि ऑडियंस खे अर्ज़ु कंदुसि त उहे पंहिंजी पंहिंजी सीटुनि ते उथी बीहनि। दोस्तों जीए सिंधु देश जीए साईं जीएम सैयद ए जीए बाबू बशीर खान कुरैशी सिंधु देश जी धरती तोते मुझी माता उधरती तोते पैंजो सीसो निमाया मां वो मिट्टी माथे लाया मां अला मिट्टी माथे लाया मां किंजर खाकारूंजर ताई किंजर खाकारूंजर ताई तोखे चश्मन चाया मां वो मिट्टी माथे लाया मां अला मिट्टी माथे लाया मां सिंधु देश जी धरती तोते मुझी माता उधरती तोते पैंजो सीसो निमाया मां वो मिट्टी माथे लाया मां अला मिट्टी माथे लाया मां गीत भी मूं वटि तुंहिंजा माता गीत भी मूं वटि तुंहिंजा माता बैत बि तुंहिंजा भाया मां अला बैत बि तुंहिंजा भाया मां वो मिट्टी माथे लाया मां मिट्टी माथे लाया मां सिंधु देश जी धरती तोते मुंहिंजी माता उधरती तोते पंहिंजो सीसो निमाया मां वो मिट्टी माथे लाया मां मिट्टी माथे लाया मां जीव जीव जी जल जीव जीव जी जल जीव जीव जी जल जीव जीव जी जल तोखा कियां लवाया मां वो मिट्टी माथे लाया मां मिट्टी माथे लाया मां सिंधु देश जी धरती तोते मुंहिंजी माता उधरती तोते पंहिंजो सीसो निमाया मां वो मिट्टी माथे लाया मां मिट्टी माथे लाया मां सारा सॾु पड़ाॾा तुंहिंजा सारा सॾु पड़ाॾा तुंहिंजा
वाई है मेवर नाया मां वो मिट्टी माथे लाया मां मिट्टी माथे लाया मां सिंधु देश जी धरती तो ते मुंजी माता उधरती तो ते पहेंजो सीसो निमाया मां वो मिट्टी माथे लाया मां मिट्टी माथे लाया मां रोज़ अज़ल खां पकड़ियो वियो आहे जंजीरुनि में जकड़ियो वियो आहे तेल कढ़ाई काढ़ियो वियो आहे ॻोल्हे ॻोल्हे मारियो वियो आहे पोइ बि उन्हीअ जी साॻी रहंदी आई रीता भाॻी जंहिंजे मन में खाट रहणे थो तंहिंजो सारो चैन खणे थो अॼु तो वटि महिमान थियो आहे पोइ बि तो सोचियो आहे कंहिंसां तुंहिंजी यारी आहे सच वॾो दोहारी आहे हींअर तकरीरनि जे सिलसिले जी शुरूआति कंदे मां सभिनी मौज़िज़ महिमाननि खे सरकार लाइ अर्ज़ु कंदे चवंदुसि अचो त सभु गॾिजी सियासी बसीरत सिंध जे ॾुखनि ऐं आंचनि ते ग़ौर कंदे अॻवाणनि जूं ॻाल्हियूं ॿुधूं ऐं पंहिंजी धरती माउ जे लॼ ऐं मान रखण लाइ ग़ौर ऐं फ़िकिर कयूं जंग आहे जंग आहे मुंहिंजी तोसां जंग आहे पली त पेर कर परे ही धरती मुंहिंजो नंग आहे मां अर्ज़ु कंदो हलां त जंहिं बि मौज़िज़ महिमान खे हिते मां माइक ते अचण जी दावत ॾींदुसि तंहिं सभिनी जो मक़सदु तंहिं सभिनी जी किरत साॻी आहे उहो मक़सदु उहा राह अणाघी ऐं ॾुखी राह आहे जेका राह आज़ादी जी राह आहे ऐं हीअ सभई जेके बि मौज़िज़ महिमान हिते स्टेज ते वेठल आहिनि इहे सभई इन आज़ादी वारी राह जा मुसाफ़िर आहिनि असीं सुरहाण जा गेसू सबाबण जी सवारियूं था कंदा शबनम जे कतरनि खे निगाहुनि सां सलाम आहियूं न कंडनि खे खीकारियूं न थूअर सां रखूं यारी मगर राबेल जा नौकर गुलाबनि जा ग़ुलाम आहियूं सभ खां पहिरीं मां प्रेसिडेंट जसा चांडका डॉक्टर मसरूर सियाल खे स्टेज ते अचण जी दावत ॾींदुसि सचन जी महिरबानी ताड़ी बंदि कयो असां ॻाल्हायूं सचन जी सरकश अडोल छाती सचन जी सरकश अडोल छाती जुरी संघे थी झुकी न संघंदी सचन जी सरकश अडोल छाती जुरी संघे थी झुकी न संघंदी सदाकतुनि जे सिजन जे पाछे अव्हां जी अख बे उरी संघे थी चिबन जे मुंह में थधी चांडरोकी भरे त मिर्चूं भली त भरजन अव्हां बे पंहिंजूं टलूं विढ़ायो ॾिसूं अव्हां जा हवेलियूं थाणा अव्हां जा फटका अव्हां जा पतरा ॿिया के आणा ॿिया के माणा असांजी मोकल अथव उहो करियो जो अव्हां खां सहजे ईअं न थिए जो तुंहिंजो उघाड़ो लाशो गलियुनि में रहिजे कुतनि जे अॻियां गिझनि जे अॻियां खुआर ॾाढो ख़राबु थींदो तॾहिं त थोरो वीचार ज़ालिम कॾहिं कलीअ मां गुलाब थींदो शहीद जो रत चवे थो ज़ालिम फुड़े फुड़े जो हिसाबु थींदो फुड़े फुड़े जो हिसाबु थींदो ज़रूरी आहे तव्हांजी ताड़ियुनि जी गूंज में सुमरो सभ खां पहिरियां सभिनी खे सलाम ऐं अॼोकी जेका इहा गैदरिंग आहे उन गैदरिंग जी निस्बत सां हिकिड़ो सिंध धरती जो गीत जंहिं गीत में तव्हां सभिनी जे साथ जी भरपूर ज़रूरत पवंदी उहो आइटम कैसेट में बि रिलीज़ थियल आहे उन जा लफ़्ज़ आहिनि तूं प्यारी आ तूं प्यारी आ ओ सिंधड़ी ओ जिंदड़ी लफ़्ज़ तूं प्यारी आ उहो तव्हां सभिनी खे मूंसां गॾु ॻाइणो पवंदो अदरवाइज़ मज़ो कोन ईंदो ओ सिंधड़ी
गोरियूं बाहूं नजर न थी अचन छा वन टू थ्री फोर Take a little
थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया रियाज समर साहब, अपना प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाना आपका फ़र्ज है और कामयाबी इसी सूरत में होगी जब आप लोग दिल खोल के हर फनकार का तालुम इस्तकबाल करेंगे, चाहे फनकार लड़काना का हो या कराची का हो, आप लोग भरपूर तालियां बजाएंगे, फनकार इतने अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, इसलिए कि फनकार जो है ये आपकी दादो तहसीन का मोहताज है, यानी ये ऑक्सीजन के तौर पर काम आता है। एक बात बता रहा फनकारों के बारे में कि खून बहता है फनकारों का पसीना बनकर, खून बहता है फनकारों का पसीना बनकर, तब कहीं जाके वो चमकता है नगीना बनकर। इन्हें सिर्फ आपकी दादो तहसीन चाहिए। यहाँ पर कराची से बेशुमार फनकार तहसील लाए हैं जिनमें सलीम जावेद, नईम अब्बास रूफी, नाजनीन एजाज, इरम सहर, किरण सहर, सनी गोविंदा ग्रुप और रईस पप्पू और बेशुमार आर्टिस्ट है। इस वक्त मैं पाकिस्तान स्टेज के एक बहुत अच्छे मजाही फनकार जो आजकल कराची स्टेज पे इन्होंने इतनी धूम मचाई हुई है, एक फिल्म आई थी सज्जाद अली की, आपने गालिबन देखा होगा, एक और लव स्टोरी, उसमें इन्होंने बहुत अच्छा किरदार किया। हमारा स्टेज का स्टेज ड्रामे का बहुत मशरूम तरीफ आर्टिस्ट है। तालियों में इस्तकबाल के तहसीलदार है परवेज सिद्दीकी। ये मर्द के शाना बशाना चलती हैं और ये कहती है कई कई जगहों पे मर्दों से आ गए हम लोग, तो देख लेते हैं थोड़ा सा आप लोगों का साथ होना चाहिए। तालियां तो भैया मिलाद में हो गया, तालियां। तुम्हारे और मेरे घर के बीच में अल्लाह मालिक, अल्लाह करे आप लोग डॉक्टर बन जाएं। तुम्हारे और मेरे घर के बीच में है लाइए 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 तालियां हाथ ऊपर करके मूवी कर लीजिएगा, मूवी इन भाइयों की लेंगे आप, मूवी वाले भाई मोड़ो जा इन पास से बाबा साथियों, लाइट मारो का आज हाथ ऊपर, सबके ऊपर वाले भी, वो जो मौत के कुएं में फंक्शन देख रहे हैं। चलते चलते देखना दिन काबू आएगी, साथ जीऊंगी साथ मरूंगी कसमें खाएगी। चलते चलते देखना दिन काबू आएगी, साथ जीऊंगी साथ मरूंगी कसमें खाएगी। तुम्हारे और मेरे घर के बीच में, तुम्हारे और
मेरे घर के बीच में। हा हा तालियां बजा दें आप लोग थोड़ा सा। ये मेरी मूवी का गाना था तो मैंने गा दिया। सजाद मेरे बड़े अच्छे दोस्त। सिंध की धरती शाह अब्दुल लतीफ भिटाई की, सिंध की धरती सच्चल सरमस्त की, और सिंध की धरती शाहबाज कलंदर की है, और सिंध की धरती आप जैसे खूबसूरत लोगों की है। आप लोग यहां मौजूद हैं, ये लाइव परफॉर्मेंस है, और लाइव परफॉर्मेंस में 50% आर्टिस्ट परफॉर्म करता है और 50% आपकी तरफ से परफॉर्मेंस होती है, तो ये होगी 100% इंशाल्लाह। आप लोग बहुत अच्छे हैं। चांडका मेडिकल कॉलेज के मैंने बड़ी तारीफ सुनी है और पहली दफा मैं आया हूं। डांस करके देखें, डांसर बोला ये तो बस आपकी मोहब्बत है। आप कभी मौका तो दें। अच्छा, सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन कराऊंगा उन आर्टिस्टों का जो तमाम रात आपके साथ परफॉर्मेंस पेश करेंगे। वो हैं हमारे बैंड, ये जो यहाँ खड़े हुए बैंड लीडर्स हैं, ये सब ये बहुत अच्छे म्यूजिशियन हैं। आपने टेलीविजन पे देखा होगा के सेट्स में इनके म्यूजिक आप सुनते हैं। इनके लिए बहुत सारी तालियां। नाइट प्यूपल और साउंड पे हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैदराबाद से इनका ताल्लुक, शालीमार इको साउंड सिस्टम, आमिर मिंकू के लिए बहुत सारी तालियां। जोरदार बजा दें आप सब। और वीडियो कैमरामैन जितने भी हैं हमारे, इनके लिए बहुत सारी तालियां। ये हसीन लम्हात को अपने वीडियो टेप में महफूज कर रहे हैं और ये आपको याद दिलाता रहेगा कि हमने आपने मिलके बहुत अच्छी शाम मनाई थी चांडका मेडिकल कॉलेज में। ये फर्स्ट ईयर और फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं आप लोग और बहुत सारे डॉक्टर बनेंगे। डॉक्टरों के साथ हमेशा एक प्रॉब्लम रही है, वो ये कि जिस मोहल्ले में होते हैं बेचारे, वहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि रात के 2:30-3 बजे कोई भी पेशेंट आ जाता है और फिर पेशे के लिहाज से उनको ज़रूर देखना होता है, चाहे वो किसी मुसीबत में हो, कुछ भी हो। ऐसे ही एक साहब, गौर से सुनिएगा, एंजॉय करेंगे आप। एक साहब का गला ख़राब था, डॉक्टर मोहल्ले में रहते थे, वो साहब गए, दरवाज़ा खटखटाया, उनकी बेगम बाहर निकली डॉक्टर की, तो जिनका गला ख़राब था कहने गए वो डॉक्टर साहब घर पे हैं, तो उनकी बेगम ने इधर उधर देखा, कहेंगे नहीं है, आ जाओ। तो ये ऐसी बात नहीं है, एक जोक था जो मैंने आपको सुना, और ऐसी बातें होती रहेंगी आपके साथ। मुझसे किसी ने पूछा कि डॉक्टर और डाकू में फर्क क्या है, मैंने कहा कुछ नहीं, डाकू घर जाके लूटता है, डॉक्टर घर बुला के लूटता है। लेकिन अब आप लोग बहुत अच्छे, नहीं ये नया डॉक्टर उठ पड़ा था अभी, आप डॉक्टर हैं, अच्छा मुझे कंबोडर लग रहे हैं वो। आइए मैं एक बात, अब इस फंक्शन का आगाज करते हैं, एक बहुत ज़बरदस्त किस्म के आर्टिस्ट को आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इस फंक्शन को जिन दो लोगों ने अरेंज किया है, और काफ़ी मुश्किलात भी आई हैं कराची से यहाँ तक आने में, उन मुश्किलात को हमने एक तरफ रखते हुए आपके सामने वो तमाम आर्टिस्ट लाए हैं जिनका नाम हमने आपको दिया था। हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं मसरूर सयाल, डॉक्टर मसरूर सयाल के लिए बहुत सारी तालियां, और सनी खान के लिए जिन्होंने इस फंक्शन को कराची से आपके लिए यहाँ अरेंज किया है। अब प्रोग्राम के आगाज में हम पाकिस्तान के एक ऐसे आर्टिस्ट को मैं बुलवा रहा हूँ जिन्होंने बहुत कम अरसे में बड़ा नाम कमाया है। नाइट प्यूपल के वो लीड वॉकलिस्ट हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, हम उन्हें पाकिस्तानी सुखबीर सिंह कहते हैं। बहुत खूबसूरत अंदाज, आपकी बहुत सारी तालियां। पाकिस्तान, पाकिस्तान से बाहर जाके परफॉर्मेंस पेश करते रहते हैं, आपकी तालियां। और तशरीफ लाएंगे शमा नौशाद। तालियां होनी चाहिए आपकी, जोरदार।
ਕੀਤਾ ਪਾਵਣ ਹੋਏ ਮੁੰਡੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਤੇ ਗੀਤ ਬਜਾ ਜਾਵਣ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਵੇ ਤੇ ਗੀਤ ਬਜਾ ਜਾਵਣ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਬਣ ਗਈ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਅੱਖ ਲੜ ਗਈ मेरा साथ देगा और उसका नाम है मोहम्मद अली और बहुत अच्छा परफॉर्मर है, बहुत अच्छा कोरियोग्राफर है और बहुत अच्छा सिंगर है, हम उसको प्यार से माइकल भी कहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि उस दोस्त के लिए तालियां बजाएं माइकल के लिए। हेलो, थैंक यू, शुक्रिया। Yeah.
सज्जन। थैंक यू। अब आपको एक सिंधी नंबर सुनाते हैं, बहुत खूबसूरत गीत है सिंधी। Night.
कैसे लगे आपको ये? अच्छे लगे? आप रख लें, नुक्कड़ से हम नया ले लेंगे। इनके लिए तालियां बजाएं एक्स्ट्रा, इन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्म। माशाल्लाह, लोग पूरी दाढ़ी रखते हैं, पांच वक्त की नमाज पढ़ते हैं, इन्होंने इतनी सी रखी, नवाए वक्त पढ़ते हैं ये। इनके लिए तालियां जोरदार। अब एक दफा और, बहुत अच्छा इन्होंने जी ठीक है। अब ये धोबी से धुलवा लीजिएगा, ठीक है। उर्दू आई, सिंधी, हलंदी साई, ठीक है ठीक है। ताजी फरमाइश अख मथे थे अड़ी गाल काने का। अब ये है कि एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट से मैं उनको बुलवा रहा हूँ। हैदराबाद में वो गाते थे, लेकिन जब कराची में उन्होंने परफॉर्मेंस दी तो लोगों ने कहा आप यहीं स्लिप हो जाएं, फिर वो वहीं रुक गए। और बहुत अच्छा गाते हैं, अब पूरे पाकिस्तान में उनका नाम है। नाम बड़ा अनोखा सा है, और यकीन करें ये नाम उमूमन, ये नाम जो है पेशावर में बहुत हिट होता है। जब आप सुनेंगे मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे, हमारे पाकिस्तान के ज़बरदस्त किस्म के आर्टिस्ट हैं ये। आपके सामने आके उनकी परफॉर्मेंस ऐसी ज़बरदस्त होगी, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप उनके साथ इन्वॉल्व रहिएगा, वो आपको बहुत ज़्यादा इंजॉय कराएंगे। मैं बुलवा रहा हूँ, नाम बड़ा अनोखा सा है, तालियां आपकी होंगी, तशरीफ लाएंगे आपके बस में, आपके तालियों के बीच, रईस पप्पू। अस्सलाम वालेकुम। रंगीले मारे ढोलना ढोलना रे, और आप तमाम ऑडियंस की तालियों के साथ हों तो मजा आएगा। मलके मारे
रंगीला भारत अगर हो के वो साथ आए रंगीला भारत रंगीला भारत हो मिलके आवाज आनी चाहिए तमाम लोगों की रंगीला भारत रंगीला भारत रंगीला भारत रंगीला भारत चारे हो प्यार का नाच दिखा जा रे आई आए रे शादी हो गई है वो दिल जले नहीं है वो जले भुने हैं जिनकी शादी हो गई है तालियां होनी चाहिए मिलके एक बहुत खूबसूरत गीत है जो प्यार करते हैं और जब उन्हें प्यार नहीं मिलता तो वो फरियादें करते हैं तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रहे मुझको सजा दी प्यार के ऐसा क्या गुनाह किया कि लुट गए हम लुट गए तो लुट गए हम तेरी महाबत में तड़प तड़प इस दिल से आह निकलती रहे मुझको सजा दी प्यार के ऐसा क्या गुनाह किया कि लुट गए तमाम दिल जलों के हाथ अगर ऐसा है बुरे हाथ नंबर बड़े बल्कि यहां दिल जले नहीं है यहां दिल जलाने वाले शायद अजब है इश्क पल की खुशियां गम के खजाने मिलते हैं फिर मिलती है तन्हाइयां कभी आंसू कभी आहे कभी शिकवे कभी नाले तेरा चेहरा नजर आए तेरा चेहरा जरा मुझे दिन के उजालों में तेरी यादें तड़पाए तेरी यादें तड़पाए रातों के अंधेरों में तेरा चेहरा नजर आए मचल मचल के इस दिल से आह निकलती रही मुझको सजा दी प्यार की ऐसा क्या गुनाह किया कल लुट गए
तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया, तो लुट गए हम तेरी महामत में। मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने प्यारे खुदा से मिलूं, और ये ख्वाहिश मेरी ही नहीं हर मुसलमान की होती है, लेकिन मुझे मालूम है कि मेरी ख्वाहिश जिंदगी में पूरी नहीं होगी, उसके लिए मुझे मरना होगा। और जब मैं मरूंगा और अपने प्यारे खुदा से मिलूंगा तो उससे पूछूंगा कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया कि जिसे मैंने चाहा वो मुझे क्यों ना मिला, वो मुझे क्यों ना मिला। दिल जब के हाथ अगर ऊपर हाथ है, अगर मिले खुदा तो पूछूंगा खुदाया जिस्म मुझे देके मट्टी का शीशे सा दिल क्यों बनाया, और उस पे दे दिया फितरत की वो करता है मोहब्बत, वाह रे वाह तेरी कुदरत, तेरी कुदरत, तेरी कुदरत, कहीं हम लाने कहीं फुरकत, वाह रे वाह तेरी कुदरत। सच सच इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया, तो लुट गए, लुट गए, तो लुट गए हम तेरी महाबत। तड़प तड़प के इस दिल से आह सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया, तो लुट गए, लुट गया ये किसकी महाबत, लुट गए हम तेरी महाबत, लुट गए, के लुट गए। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा जी, एक भंगड़ा गीत, डांसिंग, डांसिंग नहीं, भंगड़ा गीत नहीं करना है, समझ नहीं आ रहा है। अच्छा शुरू करते हैं, अगर पसंद आए तो ठीक है, वरना बंद कर देंगे। अच्छा हल दिल में, और रईस भाई आप ये बताएं किसने आपका नाम पप्पू रखा है? ये आप जैसे दोस्तों की मेहरबानी है। मेरा तो सिंध से ताल्लुक है यार, तालियां बजाएं इनका जोरदार। ये हमारे बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं, और काफी देर से आप मर्द आर्टिस्टों को देख के आपके आंखों में दर्द हो गया होगा। खवातीन का नाम आया, ऐसी खुशी दौड़ी जैसे गरीबों में आटा बटेगा। भी अभी एक, क्योंकि मेरा एक शेर आप गौर से सुने कि वजूदे जन से है तस्वीर कायनात में रंग, वजूदे जन से है तस्वीर कायनात में रंग, ताकतें दो हैं जिनसे सारा निजाम जारी है, ऊपर अल्लाह की जात बरहक, नीचे औरत की जात भारी है। औरत माँ है, बहन है, बेटी है, बहू है, बीवी है, और पड़ोसन भी है, इसीलिए बंदे का दिल लगा रहता है। अब मैं एक बड़ी जबरदस्त किस्म की
हमारी ये फनकारा हैं, मैं उनको बुलवा रहा हूँ। हमारी बहुत ज़बरदस्त टीवी की आर्टिस्ट कैसेट्स में आप सुनते हैं उन्हें, बहुत सारी तालियां होंगी और मुझे तो पता है कि बहुत सारी ही होंगी क्योंकि वो भी बहुत सारी हैं। आपकी बहुत सारी तालियां, ज़्यादा जगह दो भाई, जोरदार तालियों में तशरीफ लाएंगी नाज़नीन एजाज। शी इज नाज़नीन एजाज, माट करे वे हो बाबा हे ना कर यार, क्या कर रही है, सारे आ जाएंगे। ये नाज़नीन एजाज हैं, इतना अच्छा कलर पहना हुआ है और तीन दिन से मेरा दिल कर रहा है जामुन खाऊं। अच्छा अच्छा, तालियां जोरदार बजा दें नाज़नीन के लिए, आपको बहुत अच्छी गाने सुनाएंगे आप। Thank you.
यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू।
सो मच, थैंक यू। आप देखें ये खातून ने कितने मर्दों को नचा दिया। यही जिंदगी है और यही इंजॉय करने का एक मकसद है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको यूं ही खुश रखे, आप सदा यूं ही खुशियों में खेलें। और अब बड़े अच्छे कॉमेडियन को बुला रहा हूं मैं, मेरे साथ कुछ कॉमेडी करेंगे। लेकिन आप लोगों से गुजारिश इतनी सी है कि कॉमेडी ऑब्जर्वेशन की बात होती है, इसको आप जितनी गौर से सुनेंगे उतना एंजॉय करेंगे। थोड़ा सा हमने म्यूजिशियनों को रेस्ट दिया है, थोड़ा आप लोगों को रेस्ट देते हैं, आपके बदन को, आपके मूवमेंट को थोड़ा सा स्ट्रे हो जाएं और आराम से स्मूथ खड़े होकर आप सुने। ये नहीं कि हंसे भी नहीं, ऐसा नहीं करना। जो बात अच्छी लगे तालियां ज़रूर बजाइएगा, क्योंकि फनकार जो है वो आपके दादो तहसीन का मुस्तहक है और मोहताज भी। ऑडियंस है तो आर्टिस्ट हैं, अभी सलीम जावेद हैं, नईम अब्बास रूफी हैं और बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, दो फीमेल डांसरें भी हैं।
मैं पेश करूंगा, मैं काम ही यही करता हूं भाई, कंपेयर हूं ना तो पेश करना पड़ता है। अब एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट मेरे साथ बहुत सारे स्टेज ड्रामों में काम किया, उमर शरीफ के साथ काम किया, ये आइटम मेरा सुन ले, मेरा वादा है मैं टोपी उतार के दिखाऊंगा आपको। आप ये टोपी टोपी कर रहे हैं क्या, आपको टोपी चुभ रही है क्या, थोड़ी सी खामोशी। अब मैं उनको बुलवा रहा हूं, हमारे पाकिस्तान के जबरदस्त आर्टिस्ट, मेरी आने वाली नेक्स्ट पिक्चर में ये मेरे साथ एज ए कॉमेडियन काम कर रहे हैं। आपकी बहुत सारी तालियां, उनका एक्सप्रेशन बहुत अच्छा होता है, रिएक्ट बहुत अच्छा करते हैं, आपकी बहुत सारी तालियों में तशरीफ लाएंगे। अपकमिंग आर्टिस्ट हैं फैसल मसूद, तालियां जोरदार। एक और टॉपी, अब लोग आप लोगों से गुजारिश है मेरी, मैं आपको टोपी उतार के दिखा रहा हूं, ये देखें 3 घंटे साहब कहने टोपी, ये लो, अल्लाह माफ करे फुस बोतल है। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, तमाम सिंधी भाई मुसलमान बैठे हैं, सब मिलकर जवाब दीजिए, अस्सलाम वालेकुम। आप थोड़ी देर की खामोशी, ऊपर वाले इतने अच्छे हैं अल्लाह की कसम, जन्नती लोग, सब माठ करके बैठे हैं, आप लोग शोर मचाते हैं, आप भी शोर ना मचाएं, हमारी बातें सुने, मैं इसको लाया जलील करने के लिए हूं इंशाल्लाह। प्यार करने वाले लोग हैं, एक बार मिलके भरपूर तालियां बजाएं मिलके, ठीक है? अब गौर से सुनिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। आपके पास मोटरसाइकिल है क्या? मोटरसाइकिल है नहीं तो हेलमेट उतार, सॉरी बाल चुभे तो पता चला आपका सर है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, हमें पहचाना है? हमें पहचाना नहीं तो अभी तो सलाम किया। मुझे पहचाना नहीं, अभी तो जवाब दिया है। आपको देख के एक शेर याद आया, सुनाइए। आपकी पर्सनैलिटी पे, क्योंकि डॉक्टर्स भी बैठे हैं, हाँ, ये ज्यादा समझेंगे इस बात को जी। ये शेर बड़ा अच्छा है, हाँ? सुनो जी, आहा वाह, आहा आहा वाह वाह, क्या शेर है, सुनाया कब है? ये होता है बीच में नहीं होता, साइडों पे होता है। शेर सुना दूं फिर करे बाबा? अच्छा सुने, हाँ। कौन कहता तेरे बाप के पास पैसा नहीं होता? कौन कहता है मेरे बाप के पास पैसा नहीं होता? थोड़े से पैसे नर्सों को देते तू ऐसा नहीं होता। ये जगह थी बाबा की मौत आ गई है। ये कैसा शेर? एक शेर और है, सुनाइए। दिले वीरा है तेरी याद है तन्हाई है, दिले वीरा है तेरी याद है तन्हाई है, मैंने सुना तुम्हारी अम्मी पश्तो फिल्मों में आई है। ईमान से पोस्टर बनाते यूं नीचे लिखा था नमगड़े अरमान। अच्छा हमारी बेइज्जती क्यों, आपने कायदा याद किया? जवाब सुनो इसी शेर का, कर दो इरशाद। दिले वीरा है तेरी याद है तन्हाई है, दिले वीरा है तेरी याद है तन्हाई है, मैंने सुना तू अपनी बीवी का भाई है। मुंजी बेइज्जती पई थी तां खुश ये ना कहो यार। अब शेर सुनो, हाँ। कोई अच्छा सा सुना यार। दिले वीरा है तेरी याद है तन्हाई है, दिले वीरा है तेरी याद है तन्हाई है, हमने सुना आपने एक सुंडी फंसाई है। बेइज्जती, हाँ। इसका जवाब सुनो, सुनाओ। दिले वीरा है तेरी याद है तन्हाई है, दिले वीरा है तेरी याद है तन्हाई है, मेरी जात तुम्हें नहीं पता वो सुंडी तुम्हारे घर से ही आई है। तुम सोए हुए थे, हमारा शेर सुनिए। हाँ, तू इधर कर या उधर कर, काफी अदबी शेर है। तू इधर कर या उधर कर, करता रहे हरदम, करता रहे हरदम, करने से पहले देख ले, करने से पहले देख ले, लोटे में पानी है या खत्म। हाँ।
ये शेर तो नहीं हुआ फिर, ये तो पेट के हालात हुए। लोटा दिखाओ, बोले भाई टोंटी तोड़ गया कोई। ऐसे शेर तो 10,000 आते मुझे। सुनाओ, पहला सुनो। हाँ। सिंध बनाया जिए सिंध ने और ऐश करे हम, सिंध बनाया जिए सिंध ने और ऐश करे हम, खुदा की कसम, खुदा की कसम। शेर खत्म। कैसा है ये, कैसा शेर है? स्टील मिल में ऐसे बन रहे हैं भाई। हमारा शेर सुनिए जी, भौंकिए इरशाद जी। बकरी चढ़ी पहाड़ पे, वाह चरवाहे के लड़के। क्या शेर को बकरी में एडजस्ट किया आपने? बकरी चढ़ी पहाड़ पे जी, अगला मिसरा अच्छा होगा, जबरदस्त। आहा, बकरी चढ़ गई, आगे चला गए। अगला मिसरा, हाँ, बकरी चढ़ गई, मैं थक गया, तुम्हारी बकरी नहीं थक रही, चलो आगे चलो, उसको इंजन लगा के दो, चलो। बकरी धुआं छोड़ती होगी, आगे चलें आप। अगला मिसरा, हाँ, बकरी कोई दुम्बा ले आ, कोई मेंढा ले आ यार, आगे। अगला मिसरा, हाँ, इशारों में तपा रहा है, जब कह दिए चढ़ गई वो जा रही। अगला मिसरा, अगला मिसरा, बकरी चढ़ी पहाड़ पे, आ ठुमक 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 ठुमक। बकरी बदलो भाई, इसका तो कैरेक्टर ही सही नहीं है भैया, कहाँ की बकरी है। अगला मिसरा, अगला मिसरा, बकरी चढ़ी पहाड़ पे, आ और पीछे से उतर गई। अबे हमने देखी भी नहीं, तुमने उतार भी दी, कैरेक्टर भी तो खराब था। हाँ। उल्टी सीधी बात नहीं, आपको इंग्लिश आती है? इंग्लिश, हाँ? ओ, दिन में 3 दफा पेट भर के बोलता हूँ। इंग्लिश आती है? हाँ। सामने खंबे के पास आदमी खड़ा हुआ है, उसको इंग्लिश में बुलाना, किस तरह बुलाएंगे? वेरी सिंपल, बताओ। अगर सामने खंबे के पास आदमी खड़ा हो, उसको इंग्लिश में कैसे बुलाएंगे? हाँ। मैं कहूंगा मैन, हाँ, कम हियर, भागता हुआ आएगा। अच्छा, वापस कैसे भेजेंगे इंग्लिश में? उर्दू में भेज दूं? इंग्लिश, सिंधी में? इंग्लिश, इंग्लिश में, हाँ, भेज दूंगा। किस तरीके से? फिर मैं दौड़ के जाऊंगा खंबे के पास, हाँ, वहां जाके बोलूंगा ए मैन दोबारा कम हियर। सिंपल, भागता हुआ आ जाएगा वो। ये कैसी इंग्लिश है? ऐसी पढ़ी थी भाई। अच्छा ये बताओ, अंडे में से चूजा कैसे निकलता है? पहले ये बताओ उसमें घुसता कैसे है? अबे निकलेगा बाद में, घुसेगा कैसे, ये प्रॉब्लम है। अच्छा बताओ, हमने सुबह तुमको 10 अंडे दिए, सुबह 10 अंडे दिए, दोपहर को 20 अंडे दिए, दोपहर को 20 अंडे दिए, शाम को 300 अंडे दिए, शाम को 300 अंडे दिए, पूरे दिन में कुल टोटल हमने तुमको कितने अंडे दिए? ये सब मिला के एक दिन में आप इतने अंडे दे ही नहीं सकते, आप कुड़क नहीं हो जाएंगे? इतनी तो मुर्गी नहीं देती, आप कहां से देंगे भाई? ये तो सवाल ही गलत है। आप कोई सवाल करिए, मैं पूछूं। हाँ। जहन पे जोर दे के बताओ जी, जोड़े कहां बनते हैं? जोड़े आसमान पे बनते हैं। सवाल तो सुन ले। हाँ। जोड़े कहां बनते हैं? जोड़े आसमान पे बनते हैं। तो दर्जी कहां जाएंगे? अब मैं जोड़ा सिलवाने आसमान पे जाऊं, रास्ते में कपड़े ही फट जाएं। दूसरा सवाल जी, एक आदमी दूध पीता पीता मर गया, क्यों? दूध में जहर होगा? नहीं, फिर भैंस बैठ गई। तालियां तो बजा दे यार। दम निकल गया ना उसका, किस तरीके से पी रहा था वो, गांव जाके देख ले। आदमी सांस लेता तो क्या होता है? आदमी सांस लेता है, जिंदा रहता है। नहीं, फिर पेट ऊपर नीचे होता है। कभी मोटे आदमी को सोया देखा नहीं है क्या? दुनिया में कौन सा ऐसा जानदार है, हा? जो एक ही वक्त में जी अंडे भी देता और दूध भी। सुनो मजा आएगा यार। हार मानी, मैं बताऊं। हाँ, बेकरी वाला, जब जाओ जब देगा। एक तार पे कबूतरी बैठी हुई है, तार के ऊपर कबूतरी बैठी हुई है, उसने अंडा दिया, हाँ? गिरा नहीं, टूटा नहीं, क्यों? उसने अंडा दिया ही नहीं। मुझे तो लग रहा तुम दे रहे हो। हार मानी, मैं बताऊं। हाँ, उसने चड्डी पहनी हुई थी। अटक गया होगा ना कहीं, समझने वाली बात है।
चले आप इतने अकलमंद बनते हैं, एक सवाल करता हूं, अगर आपने उसका जवाब दे दिया तो ये सब तालियां बजाएंगे आपके लिए, ऊपर तक सब तालियां बजा देंगे अगर जवाब दे दिया। ज़हनी आजमाइश, हाँ। पूछो, आपका ज़हन देखते हैं मैं भी और आप भी, ठीक है? चलें, फंसा मत देना भाई, आपका ज़हन देखते हैं। देखो ये बताओ, अंडा फल है या सब्जी? अरे हैदराबाद की बम्बाट पी के आया क्या? ये कौन सा सवाल है यार? जवाब दे दिए तो ये सब तालियां बजा देंगे। फिर सुनो, हाँ? क्या पूछा? अंडा फल है या सब्जी? मुर्गी अगर दरख्त पे बैठ के दे तो फल है, और खेत में दे तो सब्जी। दिस इज अ पॉइंट, जबरदस्त, यू नो, यस, ओके। ओ अरे हमने ख्वाब देखा। आप ख्वाब भी देखते हैं? क्यों, मैं पीतल का बना हुआ, लोटे पीतल के ही होते। चलो ख्वाब सुनिए, सुनाएं। रात का वक्त, रात का वक्त, गुप अंधेरा, ख्वाब सुनिए, रात अरे नसली तो पहचान नहीं थी। मैं पहचान गया, आप वो हैं जिसके दुम पे मक्खी बैठे खुद से लड़ रहा था। मैं तो माहौल बना रहा हूं यार। ख्वाब सुनिए भाई, हाँ, ख्वाब में कुत्ता कहां से आ गया बे? आपके अब्बा हर जगह आ जाते। चले आगे चलें, ख्वाब सुनिए, हाँ, रा रा रा, रा। सुबह हो गई, इतनी देर में सुबह हो जाएगी। ख्वाब सुनिए भाई, सुनाए। रात का वक्त, रात का वक्त, गुप अंधेरा, गुप अंधेरा, सूरज निकला हुआ, सूरज नहीं निकला होगा, फिर तुम्हारे अब्बा टकले टहल ले होंगे, उनको देख के कह रहे सूरज टहल रहा है। ख्वाब मैंने देखा नहीं भाई, मैंने देखा हम दोनों रस्ते में जा रहे हैं, हम दोनों रस्ते में जा रहे हैं, रस्ते में दो गटर, रस्ते में दो गटर, एक में कीचड़ भरा हुआ, एक में कीचड़ भरा हुआ, एक में शहद भरा हुआ, एक में शहद भरा हुआ, मैं कीचड़ वाले में गिर गया, तुम शहद वाले में, नसीबों के खेले भाई। आगे तो सुनो, सुनाइए। फिर हम दोनों निकले, निकले, तुम मुझे चाटने लगे, मैं तुम्हें चाटने लगा। गटर बदलो भाई, गटर, नसीब अपना अपना, गटर अपना अपना, रक्षे पे भी लिखा होता है। अच्छा तुमको डॉक्टर के पास भेजा था दवाई लिया? लिया। किस तरह खानी है? तीन खुराक है जी, एक पानी से, एक पानी से, एक दूध से, एक दूध से, एक मुंह से। चौको नहीं, चबा के खाओ, जल्दी असर करती है। अच्छा इसको छोड़ो यार, वैसे यार हिंदी बोली कैसी होती है? अरे हाँ, कैसी होती? देखो मैं एक डॉक्टर के पास गया, हाँ? हिंदी डॉक्टर जी, मैंने बोला मुझे नजला फ्लो कोई गोली दे दे, हाँ? उसने दो गोली दी, हाँ? और कहने का ये खा के शांति के साथ सो जाना। ओ भाई शांति नींद को बोलते हैं, मैं तो समझा किसी काम को कहते हैं, मेरी तो नींदें खराब हो गई ना भाई। अच्छा इसको छोड़ो यार, तुमको दुकान पे लगाते हैं जहाँ औरतों के गड़े हुए गले मिलते हैं, तुम छोड़ कर आ गए? छोड़ा थोड़ी है, फिर अल्हम्दुलिल्लाह मार के निकाला। क्या हुआ? पहला दिन मैं नौकरी पे खड़ा हुआ, हाँ? लोगों ने मुझे मारा, क्यों पता नहीं कैसे। देखे मैं वाक्य सुना रहा हूँ, हाँ? जहाँ औरतों के कड़े हुए गले मिलते हैं ना, हाँ? मैं खड़ा हुआ था जी, एक खातून आई, खातून आई, मुझसे पूछा क्या गले मिलेंगे, फिर मैंने कहा बिस्मिल्ला, पीछे उसका मियाँ खड़ा था, कहेगा मुझसे मिल ले। फिर मैं उससे मिला, फिर एक हफ्ते किसी से नहीं मिला मैं। आपको देख के एक शेर याद आ गया, सुनाइए। बड़ा अच्छा शेर है। अच्छा, कौन कहता है मुलाकात नहीं होती है, कौन कहता है मुलाकात नहीं होती है, कल जो तूने पहनी थी मेरे अब्बा की धोती है, धोती समझते हैं? नहीं, पाकिस्तान हसीन लिबास, पाकिस्तान का हसीन, हमारे सिंध का जी हसीन लिबास, हसीन लिबास, वेस्ट ओपन, हल्ला हवादार, हर फ्लैट कॉर्नर द फ्लैट, क्या मतलब धोती जब तक पहनी दिल के ओढ़ के सो गया, ला ला ला,
दिस इज द धोती, कोई सोते में उठाने आ गया फिर उठाने नहीं आता, बोला दफा करो कैसे पड़ा, छह महीने सोने दो भाई, एक शेर में आपका फायदा है। अच्छा सुने, हाँ। वो आगे आगे थी, वो आगे आगे थी, तू पीछे पीछे था, बस मुझे पीछे ही रखना। इधर आ जाओ, मौजूद भाई लोग बैठे हैं, बहुत मारते हैं। वो आगे आगे थी, वो आगे आगे थी, तू पीछे पीछे था, कराची ले चल। जब भी कहूं डीजल महंगा क्यों हुआ है। वो आगे आगे थी, वो आगे आगे थी, तू पीछे पीछे था, मैं पीछे पीछे था। वो पलट के बोली, क्या आया, कब तक पीछे आएगा। अच्छा तो वो तू था। हाँ। एक लास्ट आइटम, बात बड़ी अच्छी, अगर आपको पसंद आए तो हम दोनों को अच्छी तरीके से यहाँ रुख्सत कर दी गई, ताकि पता चले हमने कहीं जाके परफॉर्मेंस दी। आप बहुत अच्छे लोग हैं, अल्लाह आपको ऐसी जिंदगी दे। एक आइटम के बाद फिर दिल खोल के जितना बजा सकते हैं आप, मैं मौका दूँ। ये बड़ी छोटी सी बात है, इस पर मुझे ब्रिटिश अवार्ड भी मिला था, है छोटी सी ऑब्जर्वेशन है। एक साथ 10 मंजिले से गिरेंगे उनकी आवाज क्या होगी, पहले मंजिले से गिरेंगे उनकी आवाज क्या होगी, दोनों फर्क पहचानेंगे। सबसे पहले 10 मंजिले वाले, ओ धड़, और जो पहले मंजिले से गिरा क्योंकि डिस्टेंस कम है, वो गिरेंगे उनकी आवाज धड़। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आने वाले वक्त के टोपी में उतार रहा हूं, ये लें। अब क्या चीज निकली, क्या फायदा। आइए जरा मूड को बदलते हैं, अब लिए चलते हैं एक ऐसे जबरदस्त किस्म के आर्टिस्ट की तरफ जिन्हें आप सुनना चाहते हैं, जिनके गाने आप केबल्स पे देखते हैं, डिश पे देखते हैं। इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं, उन्होंने हमेशा मौसीकी को चेंज दिया है, और मौसीकी के साथ साथ अपने पूरे बॉडी को भी चेंज दे दिया है। पहले वो हेल्दी किस्म के थे, अब बिल्कुल मेरी तरह हो गए हैं। उन्होंने काफ़ी अपने आप को रिड्यूस किया है, और जो लोग भारी भरकम हैं और रिड्यूस करना चाहते हैं अपने आप को, उनसे ज़रूर तरीका पूछिएगा। बहुत ज़बरदस्त किस्म के लोग उम्र दराज की तरफ जाते हैं, ये रिवाइंड हो रहे हैं शायद, पता नहीं। तो मैं उनको बुलवा रहा हूँ, आपके जाने पहचाने आर्टिस्ट हैं। उन्होंने, मैं आपको एक बात बताऊँ कि सिंध की मट्टी जो है वो बहुत जरखेज है। उन्होंने पूरे पाकिस्तान में अपनी परफॉर्मेंस दी, मुल्क से बाहर दी, और यकीन करें कि सिंध में से जितने आर्टिस्ट निकले हैं, जिनमें आबिदा परवीन, अल्लन फ़कीर, मोहम्मद अली, मुस्तफा कुरैशी, शाहनवाज, और लातादाद इतने फनकार, मंजूर सखी रानी, जलाल चांडियो, शम्मन मिराली, सरमत सिंधी, ये तमाम वो आर्टिस्ट हैं सिंध के जिन्होंने पूरी दुनिया में तहलका मचाया। और उसी सिंध के एक और आर्टिस्ट जिन्होंने अपने फनी कैरियर का आगाज हैदराबाद से किया और पूरी दुनिया में छा गए और सिंध का नाम रोशन किया, आपके जाने पहचाने, आपकी बहुत सारी तालियां, ही इज वन एंड ओनली, गिव द बिग हैंड फॉर सलीम जावेद। और ये अनवर इनके साथ, आप ये नहीं समझिएगा, पीली टैक्सी आ गई। ठीक है आप लोग जी, हेलो हेलो हेलो, जबरदस्त तरीके से बोलना है आप लोगों ने, हेलो। ओके वन मोर टाइम, हेलो। One more time. Hello. Okay. काफी अरसा पहले मेरे दो सिंधी कैसेट भी आए थे, आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों को याद होगा, जिसका एक का नाम था हल पुनल।
और उसका एक गाना काफी अरसे बाद गा रहा हूं, हो सकता है कि मुझसे थोड़ी सी गलती हो जाए, मगर आप उसको दरगुजर कीजिएगा, काफी अरसे बाद यह गाना गा रहा हूं मैं। थैंक यू। मैं बजवाऊंगा वो सिर्फ चांडका के लिए होगी, चांडका मेडिकल कॉलेज के लिए होगी। ये मोहब्बतों का तोहफा है हमारी तरफ से, मगर तालियां साथ साथ होना चाहिए, ये आपके लिए है।
जमल जमालो जमालो जमल जमालो जमालो जोर से जमल जमालो जमालो एवरीबॉडी जमल जमालो जमालो ओके मैं जरूर सुनाऊंगा। मेरी आपने एक एल्बम सुनी होगी पिया जी, जिसका ये गाना भी आपने वीडियो पे इसको देखा होगा। ये अमेरिका मयामी ह्यूस्टन में जाके इसको शूट किया गया था हमने, पीटी वर्ल्ड से आपने इसको देखा होगा। काफ़ी फरमाइशें हैं, मैं कोशिश करूंगा सुना सकूं। और ये मुझे भी पसंद है, यहाँ जो दोस्त हैं वो कह रहे हैं, हो सकता है कि और भी जो दोस्त हों उनको भी अच्छा लगता हो।
जितने भी अच्छे लोग आए ये गाना उन लोगों के लिए है। फिर तुमको बुरा है तो तुम शोरे से मत ले आना। एक बार चले आया फिर आके चले जाना जाना जाना। ओके यंगस्टर आर यू रेडी? नो, वन मोर टाइम। ओके यंगस्टर आर यू रेडी? ओके, वन टू थ्री फोर। जितने भी यंगस्टर हैं उन लोगों के लिए। अब जान पे बन आए इतना तो नजर पाओ जब मुझे अच्छे सुनने वाले मिलते हैं जो हैं आप लोग। मेरा दिल चाहता है कि ये लाइन एक बार चले और फिर आके चले जाना। उन लोगों से भी सुनो। क्या आप लोग गाने के लिए तैयार हैं? गाएंगे? ठीक है, म्यूजिक कम करवा के आपकी अच्छी अच्छी आवाजें सुनते हैं। ओके, वन टू थ्री। एक बार वन मोर टाइम जबरदस्त। फिर तुमको बुला है तो तुम शौक से मत आना। मेरे नए एल्बम में आपने देखा होगा तुम मेरे हो, जिसके अंदर लाल शाबाश कलंदर साईं की शान में मैंने एक धमाल गाई है। और ये मौका बहुत अच्छा है क्योंकि स्टार्ट हो गया है मेला और क्योंकि मैं उसको बहुत कम गाता हूँ आज गा रहा हूँ। इसमें एंजॉय कीजिएगा।
मादम मस्त कलंदर सती शहबाज कलंदर हुसैनी लाल कलंदर अली दर सबसे अंदर उम्मतो मस्त कलंदर झूलेलाल कलंदर दमादम मस्त कलंदर सती शहबाज कलंदर हुसैनी लाल कलंदर अली हर सबसे अंदर शाहबाज कलंदर शाहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली शाहबाज कलंदर हुसैनी लाल कलंदर अली हर दम पे अंदर अली के लिए आपके साथ छोड़ रहा हूं मैं ठीक है थोड़ी सी बढ़ा दे
थोड़ी देर के लिए अगर वीडियो लाइट बंद कर देंगे ज्यादा अच्छा होगा। जुगनी आखिरी गाना सुनाने से पहले मैं चाहूंगा ढोल का माहौल चेंज करके कौन सा सुनना चाह रहे हैं? मेरे पास जब आया करो यार, ये बहुत पुराना मेरा 86 में ये मेरी एल्बम आई थी, मुझे याद नहीं है सही तरह किस तरह सुनाऊंगा, याद नहीं है। आपको याद है तो थोड़ा सा गा के आप सुना दें मुझे। ओके मेरे पास जब आया करो तो बन जाते हैं, दिल चाहता है कि उनको गाया जाए। ऐसा ही एक गीत जो बहुत पुराना है, तकरीबन 30 साल से भी ज्यादा अर्सा गुजर चुका है गाने को। गाने की बहुत अच्छी बात यह कि उस जमाने में भी बहुत ज्यादा मशहूर था और आप लोगों के अंदर भी सुना जाता है।
आखिर में आपको पता है, सुनो फिर
मिलकर आवाज आना चाहिए। अली से मोहब्बत करने वाले पूरे जहां में मौजूद हैं। तेरी मैं गावा जुगनी, 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 तेरी मैं गावा जुगनी। बहुत अच्छे मेहमान हैं। आप दूर जरूर हैं मुझसे मगर दिल से दूर नहीं हैं। मिलके तेरी मैं गावा जुगनी, तेरी मैं गावा जुगनी, तेरी मैं गावा जुगनी, तेरी मैं गावा जुगनी, तेरी मैं गावा जुगनी। काश कितना अच्छा हो आप लोग के साथ साथ दिन यहाँ वहाँ जिस तरह हो रहा है। तेरी मैं गावा जुगनी, 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 लब से मिलना तेरी जुगनी। भाई सोने आते हैं जुगनी, बोला वाले आते हैं जुगनी।
जुगनी का फाइनल राउंड है, इसलिए मिलकर कहें तेरी मैं गावा जुगनी, 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 तेरी मैं गावा तेरी तो मैं गावा जुगनी, इतना अच्छा उन्होंने गाया और आपकी इतनी अच्छी माशाल्लाह परफॉर्मेंस रही। यही नईम अब्बास रूफी बाकी हैं जो आप माइकल को बुला रहे हैं। आप तो खुद ही कह रहे हैं माई कल, यानी कि माई कल आना। अच्छा, ये बहुत अच्छा फंक्शन है, फंक्शन देखने का इतना अच्छा जज्बा, आप देखें लोग खंदक से भी देख रहे हैं। मैं अभी एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट को बुलवा रहा हूं, क्योंकि इसके बाद आफ्टर दिस आर्टिस्ट, ओके, क्या कहूं, नारायण जीते रहिए। अब मैं उनको बुला रहा हूं जो अपकमिंग आर्टिस्ट हैं। देखें, होता यह है कि जब कोई वेल नोन आर्टिस्ट आपके सामने आके परफॉर्मेंस पेश करता है या किसी वेल नोन आर्टिस्ट का नाम लिया जाता है, आपके मुंह से बेसाख्ता चीखों की आवाज़ निकलती है, तालियों में उसका इस्तकबाल किया जाता है। लेकिन ये वो आर्टिस्ट होते हैं जो अपनी मेहनत से एक मकाम और एक दर्जा बनाते हैं अपना, और ये सब आप लोगों के ऊपर होता है। आप उनको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं तो वो सुपरस्टार बन जाता है। ऐसे ही एक आर्टिस्ट जो अपकमिंग आर्टिस्ट हैं, लेकिन आपकी हौसला अफजाई उनके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा गाते हैं, कराची से तशरीफ लाए हैं, आपकी बहुत सारी तालियां होंगी
और आपके पुरजोश तालियों में तशरीफ लाएंगे कामरान जाफरी। ये लोग बहुत अच्छे हैं, आप भी बहुत अच्छे हैं, वेल्डिंग करने आए आप तो। अब कामरान के लिए तालियां बजा के बताएं कि आप नए आर्टिस्टों को कितना पजीराई करते हैं। ये देखें आप गाएं खुल के, ठीक है। ये लोग माशाल्लाह सेवन के मानने वाले हैं। एक नारा हो जाए यार, एक नारा हो जाए नारा। पहले सबको कामरान जाफरी की तरफ से सलाम, और डॉक्टर मसूद साहब की फरमाइश पर और सनी खान साहब की फरमाइश पर एक गाना गा रहा हूँ। सबसे पहले एक सेवन के नाम पे नारा, बोलो 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 सखी लाल कलंदर अली हैदर। ये कहाँ है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे। तालियां तो बजा दो यार, ऊपर वालों जरा मंड के। दिल में ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे, दिल में ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे। मेरी जान मेरे दिल पर मेरा ऐतबार कर लो, बेकरार कर लो मेरी धड़कनों को समझो। तुम भी मुझसे प्यार कर लो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे। घटाओं को मोड़ लाऊंगा मैं, हाँ तुम ये कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, इन हवाओं को इन घटाओं को मोड़ लाऊंगा मैं। कैसा मंजर है मेरी आंखों में, कैसा एहसास है, पास दरिया है दूर सहरा है फिर भी क्यों प्यास है। इस फंक्शन को अरेंज भी किया है आपके लिए, हम इसीलिए इनको पाकिस्तानी गोविंदा भी कहते हैं, हमारे सिंध का गोविंदा है।
और ये कुछ कहना चाहेंगे जी? हेलो मौजूद समय ने महफिल, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब तक का जो शो यहाँ चल रहा है आप लोगों ने एंजॉय किया है तो अपनी क्लैप में बताइए। एंजॉय किया है आप लोगों ने इस शो को? मैंने अरेंज ज़रूर किया है लेकिन मेरे साथ दो मेन पर्सन हैं जिन्होंने बहुत मेहनतें की हैं, बहुत काविशें हैं उनकी। मैं चाहता हूँ हमारे मेरे बड़े भाई, आप यकीन करें उनकी बहुत मेहनत है इस शो के लिए, शाह हुसैन शाह के लिए बहुत सारी क्लैप होनी चाहिए। मेरे बड़े भाई हैं और इनकी रियली बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत हैं, और सबसे ज़्यादा इनकी और डॉक्टर मसरूर सयाल, उनके लिए बहुत सारी क्लैप्स होनी चाहिए। अब क्या ख्याल है, आप लोग डांस देखेंगे या गाना सुनाओ? अरे तो तालियां होनी चाहिए ना रे, हाँ बहुत सारी तालियों में आपकी तशरीफ लाती हैं। मैं खुद बुलवा लूँगा, काम मेरा है। आप इधर आ जाए, फांटा पी के आए आज, माशाल्लाह संतरा लग रहे हैं आप आज। अब मैं उनको बुलवा रहा हूँ, दो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हमारी, मैंने आपको कहा कि एक्ट्रेस भी हैं और डांस परफॉर्मर भी हैं, आपकी बहुत सारी तालियां होंगी, तशरीफ लाएंगी, किरण सहर और इरम सहर।
Oh,
हैं और हम चाहते हैं कि अपनी तमाम तर मेहनतें और अपना फन आप तक बिल्कुल निछावर के जोरदार आवाज में आपकी तालियां तशरीफ लाएंगे नईम अब्बास रूफी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ये लोग कम हो गए, क्या वजह, चले गए सब? अच्छा, हल्ला गुल्ला गाना है या वैसे स्लो स्लो चले? डांस करना है अभी भी? अच्छा, थोड़ा एक थोड़ा स्लो हो जाए, फिर उसके बाद चलाते हैं सब ऐसे, सही है? कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, महजा बालों से अल्लाह बचाए। ऐसे नहीं, हाथ ऊपर करके सब मिल गए साथ। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, महजा बालों से हरबला सर पे आ जाए रे, हरबला सर पे आ जाए रे, हुस्न वालों से अल्लाह बचाए।
थोड़ी सूरत में बाते हैं वो मुंह में कुछ है बगल दिल में कुछ है लाख चेहरे सही चांद जैसा लाख चेहरे सही चांद जैसा दिल के कालों से अल्लाह मचा
भी जमाल है। सब आज मैंने जमाल पे खुदा वो है जो जर्रे जर्रे पे फैजाम करे, रसूल वो है जो कुल कायनात का इंतजाम करे, काबा वो है जहां हर खास आम झुककर सलाम करे, अली वो है 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 जिसे काबा भी झुककर सलाम करे। मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर इको विरुद्ध हदम दम 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 सखिलाल कलंदर सखिलाल कलंदर झूलेलाल कलंदर लजपाल कलंदर बसरी कलंदर बुअली कलंदर दम मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर विरुद्ध हदम दम इको विरुद्ध हदम दम हाथ पर करके मैं देखो कौन कौन अली कह रहा है। इको विरुद्ध हदम दम इको विरुद्ध हदम दम इको विरुद्ध हदम दम सखिलाल कलंदर सखिलाल कलंदर झूलेलाल कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त इको विरुद्ध हदम दम सखिलाल कलंदर सखिलाल कलंदर लजपाल कलंदर हुसैनी लाल कलंदर बसरी कलंदर बू अली कलंदर लजपाल कलंदर दम मस्त कलंदर शहबाज कलंदर बरी बरी कलंदर इमाम कलंदर मस्त कलंदर खिले बर सतों में जब छेड़े सखियां बातों में मैनू याद तेरिया आदियां ने मैनू याद तेरिया